हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी पैकर वर्ल्ड। टू गाइस, आज इस वीडियो में आपको मल्टी पैकर स्टॉक्स देने वाला हूँ। 10 ऐसे स्टॉक्स जो सोलर पावर कंपनीज में जुड़े हुए हैं, और ये सोलर पावर कंपनी जो हैं ये आपको बहुत ही कम रेट में यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी हैं, क्योंकि 5 साल में जितनी भी सोलर पावर एनर्जी कंपनीज के अंदर गिरावट देखने को मिली है उनके शेयर्स में, तो अब ये स्टॉक्स हमको करीब 10 गुना या 5 गुना कम रेट में मिल रहे हैं। और अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमको इसमें 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टॉक्स निकल आए जिसमें हमको 25 से 30% के गुना भी यहां पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों में शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और मल्टीबैगर वर्ल्ड की फैमिली जो बड़ी हो सके। तो चलिए गाइस, यहां पर हम जान लेते हैं वो सोलर एनर्जी पावर वाली कंपनीज कौन सी हैं जिनमें हमको काफी अच्छे रिटर्न मिल सकता है और ये स्टॉक्स बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहली जो हमारी कंपनी है ये है हमारी वा सोलर लिमिटेड। तो वा सोलर लिमिटेड का जो शेयर है ये हमको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग हुई थी बहुत हाई पर हुई थी। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो अभी करंट मार्केट प्राइस है इसका, ये है 20 रुपये 60 पैसे पर, तो यानी कि आपको बहुत ही कम प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है। और अभी इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंट भी देखने को मिल रहा है। और इसका अगर हम बात करें तो किस बिजनेस में है, तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में ये कंपनी काम करती है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये काम करती है। और आप देखेंगे तो ये 2009 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी कंपनी, और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो लिस्टिंग हुई थी करीब 11 जून को इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, और ये करीब 152 रुपये पर लिस्ट हुआ था। 152 रुपये से ये गिरता हुआ सीधा सीधा 20 रुपये 60 पैसे पर आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 रुपये 55 पैसे पर ये गया था, और फिर यहाँ पर बढ़ता हुआ 20 रुपये 60 पैसे पर ये आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग में इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। बस वैल्यूएशन की बात थी कि इन्होंने बहुत ही महंगे प्राइस पर इसकी लिस्टिंग करवाई थी, जिस वजह से ये उतने प्राइस पर टिक नहीं पाया, और जो इसकी रियल वैल्यू है उसके आसपास ही डोल रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी लोग लालच में बहुत ज़्यादा प्राइसेस पर लिस्टिंग करवा देते हैं, बट जो इसकी रियल वैल्यू होती है वो वहीं आकर वापस लौट आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मार्केट कैपिटल है 13 रुपये 66, यानी कि 13 करोड़ 66 लाख का इसका जो मार्केट कैपिटल है। रेवेन्यू इसका करीब 79 या 80 करोड़ का भी आप मान सकते हो। यहाँ पर अर्निंग देखेंगे तो करीब 3.5 करोड़ की यहाँ पर अर्निंग इसकी चलती है, और यहाँ पर कैश फ्लो इनके पास काफ़ी बढ़िया है, करीब 42.29 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है। और यहाँ पर देखेंगे तो डेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, तो ये डेट कम नहीं कर रही है कंपनी। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कंपनी बेकार है, डेट फ्री नहीं है। इसका मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये बेकार है। डेट लेने का मतलब है ये बिज़नेस को अपने एक्सपेंड कर रही है, इसका ये भी मतलब होता है। तो आप गलत चीज़ पर ना जाएं, सारी चीज़ की जानकारी लेने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि ये डेट कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। तो यहाँ पर आप प्रमोटर्स होल्डिंग भी देखेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 69.85% की इधर पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देने के लिए। और यहाँ पर 52 वीक का लो देखेंगे तो 15 रुपये 35 पैसे का इसका लो है, 39 रुपीज़ का इसका हाई है, और हाई आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई था, 152 के आसपास था। और यहाँ पर जो गिरावट आने के बाद इसने जो लो बनाया है 15 रुपीज़ 35 पैसे का, तो यहाँ इसके आसपास जो प्राइस अब चल रहा है 20 रुपये 60 पैसे पर ये आ चुका है इतना गिरने के बाद। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते रेट पर ये अवेलेबल है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इस लेवल को ये तोड़ पाए और इससे नीचे जा पाए, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। फेस वैल्यू इन्होंने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, करीब 10 रुपये, तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड स्टॉक पर। तो ये रहा हमारा सेकंड स्टॉक, वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है वेबसोल एनर्जी, यहाँ पर आप यकीन कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पूरी स्टडी करने के बाद। तो यहाँ पर जो अभी इसका करंट प्राइस है 19.90 रुपीज़ पर अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है, बहुत ही बढ़िया प्राइस पर हमको ये मिल रहा है अभी के दिन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो चार्ट हमको बताएगा, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग है ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स में, डायोड्स में, ट्रांजिस्टर्स में और रिलेटेड डिस्क्रीट डिवाइसेस में इनका काम चलता है इस कंपनी का। और 1990 से इन्होंने स्टार्टिंग की थी,
और यहाँ पर हम इसकी जो प्राइजेस है इसको भी देख लेते हैं कि अभी ये ऑल टाइम पर हम करके देखेंगे, हमको एक साल का नहीं चाहिए, हमको एक महीने का नहीं चाहिए, हम इसका ऑल टाइम देखेंगे। तो ऑल टाइम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी जो प्राइजेस थी यहाँ से ये कंटिन्यूअसली बढ़ी है। 3 जनवरी 2000 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और 2 रुपये 25 पैसे के आसपास इसकी जो लिस्टिंग हुई थी। इसके बाद इसने जो बढ़ना शुरू किया था तो बढ़ते बढ़ते ये करीब 223 रुपये तक चली गई थी, 223 रुपये के ये आसपास डोलती रही काफ़ी टाइम तक। और यहाँ पर अब इसने जो प्राइस दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट में मिल रहा है, यानी कि 19 रुपये में ये शेयर मिल रहा है। और फिर से ये तेज़ी पकड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट आए। और यहाँ पर आप खुद ही देख चुके हैं कि 2 रुपये से अगर ये 250 रुपये के पास जा सकता है तो नीचे आने के बाद फिर से ये रिकवरी लेकर वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट कैपिटल 60 करोड़ का है, काफ़ी ज़्यादा है मार्केट कैपिटल। रेवेन्यू 185 करोड़ का है, बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू है। और अर्निंग अभी माइनस में होकर आई है, फिर से बढ़कर आ सकती है। 75 करोड़ का इसका डेट है, ज़्यादा कोई डेट नहीं है, कोई मामूली सी चीज़ है। कैश फ्लो अभी इनके पास रखा हुआ नहीं है, यानी कि बिज़नेस एक्सपेंड ये करते जा रहे हैं, कैश फ्लो ज़्यादा रख नहीं रहे हैं अपने पास। प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, और यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी में दिक्कत है इसलिए प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो रही है। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग कुछ टाइम के बाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये कंपनी जो है ग्रोथ के मामले में बहुत ही शानदार कंपनी है। और यहाँ पर 52 वीक का आप लो और हाई देखेंगे तो 11 रुपये 50 पैसे का लो है, 33 रुपीज़ का यहाँ पर हाई है। और इसको हो सकता है कि बीच में स्प्लिट किया गया है, जिस वजह से इसके जो प्राइजेस हैं काफ़ी ज़्यादा कम हैं। ये स्प्लिट के प्राइजेस रहते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि गिरावट आई है, बट यहाँ पर गिरावट नहीं आई होती है। इसको 10 गुना तक भी इसको रीलिस्टिंग कर दी जाती है, जैसे मैंने आपको सकुमा स्पोर्ट का बताया था कि 250 रुपये से ऊपर गया, फिर 10 गुना उसको प्राइस को कम करके रीलिस्टिंग की गई और उसको 20 रुपये से 25 रुपये के बीच में रीलिस्ट किया गया था। तो वैसा ही इन स्टॉक्स के अंदर भी हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और जो उसके शेयर्स हैं मार्केट में करीब 3 करोड़ शेयर हैं यहाँ पर मार्केट में इसके, तो ये भी बहुत ही बढ़िया शेयर है। तो अब हम इसका तीसरा शेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा स्टॉक आपको दिखाई दे रहा होगा और ये तीसरा स्टॉक 6 रुपये 90 पैसे के प्राइस पर चल रहा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है रिटर्न देने के मामले में बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर प्रदर्शन दिखा सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स भी बनाते हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ये बनाते हैं, करीब यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर्स भी बनाते हैं। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो प्राइजेस हैं उसकी भी बात कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कब इसको शुरू किया गया था। 1999 में इसको शुरू किया गया था। और यहाँ पर हम इसकी जो प्राइजेस है इसको देख लेते हैं कि ऑल टाइम में क्या रहा है और ऑल टाइम कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। 17 अक्टूबर 2011 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और यहाँ पर हम इसके प्राइजेस देख लेते हैं किस तरह के रहे थे। गिरावट भी आई है और यहाँ पर बढ़त भी देखने को मिली है बीच में। तो 37 रुपये से यहाँ पर लिस्टिंग हुई, फिर गिरावट आई, गिरावट होकर यहाँ पर 7 रुपये 6 रुपये तक गया, फिर वापस इसमें बढ़त देखने को मिली और ये 51 रुपीज़ तक आ गया। और कंटिन्यूस रैली बनी हुई है इसकी गिरावट की और यहाँ पर एक लो क्रिएट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट कर दिया है और सीधा सीधा यहाँ पर बढ़त दिखाना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया शेयर हमको यहाँ पर मिल चुका है। मार्केट कैपिटल 142 करोड़ का है, रेवेन्यू 91 करोड़ का है, अर्निंग 10 करोड़ की है, कैश फ्लो 14 करोड़ का है, डेट यहाँ पर 140 करोड़ का है। ये भी थोड़ी सी सोचने की बात है, बट यहाँ पर कंपनी में कोई भी दिक्कतें नहीं हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा की यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। 52 वीक का लो हाई देखेंगे तो 2 रुपीज़ 15 पैसे का लो है, 7 रुपीज़ 10 पैसे का हाई बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमको 6 रुपये के आसपास का प्राइस मिल रहा है तो इसके ऊपर ही जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और यहाँ पर हम इसके आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स देखेंगे मार्केट में तो करीब 20 करोड़ शेयर्स हैं, मार्केट कैपिटल भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा है। कंपनी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है ये और यहाँ पर आपको रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर आप प्राइसेस का टारगेट लेकर चलें तो 6 रुपये 90 पैसे से आप इसमें जो टारगेट है वो 30 रुपये तक का लेकर चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है यहाँ पर। और अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ स्टॉक। और ये रहा हमारा फोर्थ स्टॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
साइनर्जी ग्रीन इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 68.50 करोड़ के आसपास ये चल रहा है। आपको अगर ज़्यादा लगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें या नहीं करना चाहें, बट मेरे लिहाज से ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। रिटर्न के मामले में ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। 2010 में शुरू की गई कंपनी है और अदानी ग्रीन्स में भी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मोमेंट देखने को मिल रहा है। इसमें भी आने वाले टाइम में आपको बहुत तेज़ मोमेंट देखने को मिल सकता है और 250-300 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ ही दिनों के अंदर इसमें अचानक से अगर मोमेंट आ जाता है तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर ये 250 रुपए भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑल टाइम मोमेंट इसका क्या रहा है। ज़्यादा कुछ तो इसमें देखने को नहीं मिल रहा है हमको। और यहाँ पर हम देखेंगे जो लिस्टिंग है इसकी, 21 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हुई है, 21 सितंबर 2018 में, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस स्टॉक को और 2 साल भी अभी तक ये पूरे कंप्लीट नहीं कर पाया है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी करीब 86 रुपीज़ के आसपास हुई थी, फिर ये इसमें कुछ ज़्यादा मोमेंट देखने को नहीं मिला है। बट अभी इसके अंदर जो मोमेंट आ रहा है ये भी अभी तक तो खास नहीं आ पाया है, बट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर कंपनी है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब भी मोमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा तो अचानक से एक बहुत बड़ा मोमेंट भी देखने को मिल सकता है, बट अभी इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहें तो ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, अभी तो नहीं है, बट जो मैंने आपको बताया कि मोमेंट अचानक से आ सकता है इस स्टॉक के अंदर। मार्केट कैपिटल 96 करोड़ का है और यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू 165 करोड़ की आ रही है और जो अर्निंग है 4.55 करोड़ की रह रही है। कैश फ्लो करीब 13 करोड़ का है और यहाँ पर जो डेट है 50 करोड़ का रह रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 73.94% की इसमें अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग इसने बनाई हुई है। जो 52 वीक का लो हाई देखेंगे तो 66 का लो है, 92 का इसमें हाई है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा फेस वैल्यू दी हुई है। और आउटस्टैंडिंग शेयर देखेंगे तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर इसके शेयर्स हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट भी करीब 9.30 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। और गाइस ये रहा हमारा 5th स्टॉक सुराना सोलर लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर का प्राइस देखेंगे तो 8.30 रुपीज़ के आसपास ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्राइस मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो बिज़नेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, इलेक्ट्रो ट्यूब्स भी बना रहे हैं, डायोड्स भी बना रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स भी बना रहे हैं। और यहाँ पर इस कंपनी की शुरुआत 2006 में हो चुकी थी। और यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी का जो लिस्टिंग है वहाँ से लेकर अभी तक इसका सफ़र किस तरह से रहा है ये भी हम सारी चीज़ें यहाँ पर देख कर ही चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी जो लिस्टिंग हो गई थी यहाँ पर 3 जनवरी 2011 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, करीब 27 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। और उसके बाद से इसने जो हाई बनाया 73 का इसने हाई बनाया था और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर इसमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर जो अभी इसने कर्व क्रिएट किया है इसके मुताबिक इसमें थोड़ी सी तेज़ी रह सकती है थोड़ी सी गिरावट आने के बाद। तो आप हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वेट कर फिर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 8 रुपये के आसपास ये चल रहा है। मार्केट कैपिटल देख लेते हैं तो 40 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका और रेवेन्यू है इसकी जो 34 करोड़ की है। यहाँ पर अर्निंग ज़्यादा कुछ नहीं है इसकी, 0.65 करोड़ की यानी कि 65 लाख की है। और यहाँ पर कैश फ्लो भी ज़्यादा कुछ नहीं है अभी इसके पास। जैसे कि मैंने आपसे कहा थोड़ा सा रुककर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डेट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 22 करोड़ का ही है। और यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा है, 69% की यहाँ पर इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग है। और यहाँ पर लो हाई देखेंगे तो इसके आसपास जो डोलता रहता है इसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग कर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और जो फेस वैल्यू 5 रुपये की है डिविडेंड के मामले में, इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, डिविडेंड वाले स्टॉक्स में आपको बता दूंगा, तो उनमें आप इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं बिना कुछ हाथ पर चलाए। और यहाँ पर शेयर्स देखेंगे तो करीब 5 करोड़ के आसपास यहाँ पर शेयर्स हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 42 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट बना हुआ है। तो गाइज़ ये भी स्टॉक बढ़िया है बट अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा सा रुककर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा 6th स्टॉक है, ये स्विट्जरलैंड एनर्जी का। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग स्विट्जरलैंड एनर्जी के बारे में जानते हैं क्योंकि काफ़ी पुराना स्टॉक है और इन्वेस्टर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा रहा करते थे, बट अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होता नज़र आ रहा है। बट इस स्टॉक के अंदर अभी कुछ दिनों से 5% का जो सर्किट लग रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर डबल भी हो चुका है कुछ दिनों के अंदर। और इस स्टॉक की खासियत ये है कि ये 15 से 20 रुपये जाता है और वापस यहाँ पर 2-3 रुपये पर आ जाता है। तो यहाँ पर अभी ये आपको 4.25 रुपये के आसपास मिल रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको हो सकता है कि 10-12 रुपये के पास ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहाँ से अगर इसमें गिरावट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है कुछ दिनों के अंदर तो इसके जो प्राइसेस हैं वो 20-25 रुपये भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस कंपनी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सोलर पैनल्स भी ये लगाती है, सोलर पैनल से भी ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है और पवन चक्कियाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा लगती हैं। और बाकी
ग्लोबल मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा है, और बाहर भी, ये इंडिया के बाहर भी इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चला करते हैं, और सोलर एनर्जी में तो ये है ही। और इसका जो आप जर्नी देखेंगे तो इसकी जर्नी बहुत ही बड़ी है। इसकी जर्नी की बात करें तो पुराने लोग आपको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चले आ रहे हैं अभी शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसकी लिस्टिंग 2005 में हो चुकी थी 17 अक्टूबर को, और यहाँ पर ये करीब आपको ज़्यादा प्राइस में नहीं, बहुत ही कम प्राइस में तब अवेलेबल था, और यहाँ पर अब ये आपको और भी कम प्राइस में अवेलेबल है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अभी 1.85 रुपये के आसपास मिल रहा था, बट अब आपको ये 4.25 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिली है, करीब डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर पैसा ये कर चुका है कुछ ही दिनों के अंदर। और यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखेंगे तो कंपनी बड़ी नहीं, कंपनी छोटी नहीं, बड़ी कंपनी है, जो अभी मैंने आपको बताई थी इन सबसे बड़ी कंपनी है ये। 2282 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, और जैसे जैसे इसका शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा मार्केट कैपिटल इसका वैसा ही ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि मार्केट कैपिटल इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रह चुका है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो रेवेन्यू इसका जो है वो है करीब 37 करोड़ तक का, और अर्निंग देखेंगे तो यहाँ पर अभी के टाइम माइनस में चल रही है, बट यहाँ पर जो गेम चलता रहता है उसमें आप भी एंट्री लेकर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैश फ्लो भी 74 करोड़ का इनके पास पड़ा हुआ है। डेट की वजह से इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिलती हैं, और प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र नहीं आती है, बट कुछ सालों के अंदर इसकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, और डेट कम होता हुआ नज़र आ सकता है। बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट आप फंसा नहीं सकते हैं, बट यहाँ पर आप कुछ अमाउंट लगाकर तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ दिनों की जो बढ़त रहती है इसके अंदर और फिर गिरावट आती है, उसके अंदर आप भी गेम खेलकर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू इसकी देखने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड के मामले में इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। शेयर्स आप देखेंगे तो शेयर्स के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा शेयर्स मार्केट में हैं इसके, तो ये भी नहीं देखना है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट तो देखने वाला है इसका कि 20 करोड़ से ज़्यादा का इसका नेट प्रॉफिट है, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये, बट गेम खेलने के लिए ज़्यादा बेटर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतने ज़्यादा बेटर नहीं है। बट आपको अभी जो प्राइस मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में ये आपको अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अमाउंट लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरा 7th स्टॉक इंडो सोलर लिमिटेड। तो इंडो सोलर लिमिटेड का जो प्राइस है 1.40 रुपये पर ये चल रहा है, और फोटोसोलिक सेल बनाने में ये कंपनी काम करती है, सोलर पैनल बनाने में काम करती है, पीवी सेलुलर्स में ये कंपनी जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से गिनी जाती है। और यहाँ पर जो इसका जो शेयर प्राइस है 1.40 रुपये के आसपास बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है ये आपको। और यहाँ पर देखेंगे जो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, इसने शुरुआत की थी मार्केट में अपनी, और यहाँ पर हम इसका ऑल टाइम परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, तो कब लिस्टिंग हुई थी, क्या प्राइस से हुई थी, और अभी तक किस प्राइस पर ये चल रही है, सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 27 सितंबर 2010 में इसने लिस्टिंग की थी, 10 साल यहाँ पर होने को करीब हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो प्राइस था 21 रुपीज़ के आसपास था, और यहाँ पर आप जो गिरकर इसने बहुत ही लो बनाया था 30 पैसे पर ये आ गया था, 30 पैसे से इसने जो ग्रो करना शुरू किया है, तो चार्ट काफ़ी देर पर इतनी सी चीज़ में चार्ट ने इसने काफ़ी अच्छा ग्रो करते हुए दिखाया है। तो 1.40 रुपये पर आ गया 30 पैसे से, तो यहाँ पर आप जो बढ़त रहने वाली है तो ये गिरावट तो देखने को नहीं मिलेगी, और 30 पैसे से ये डेफिनेटली नीचे नहीं जाएगा। 30 पैसे क्या 1 रुपये से भी नीचे जाने वाला ये स्टॉक अब नहीं है, और ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर है बाकी जो स्टॉक्स बताए हैं अभी तक। तो यहाँ पर आप मार्केट कैपिटल देख सकते हो 51 करोड़ का है, यहाँ पर रेवेन्यू 13 करोड़ की है, और जो इसकी अर्निंग है ये माइनस में चल रही है, ये थोड़ी सी फंसने वाली बात है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली थी, बट यहाँ पर अब गिरावट देखने की आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि सोलर पावर एनर्जी वाले पैनल्स जो हैं वो इसी टाइम बिक रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर अब स्टॉक्स में जो अर्निंग है इसमें थोड़ी सी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। कैश फ्लो इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, 6 करोड़ का कैश फ्लो है इनका, और डेट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, डेट इनको कम करने की ज़रूरत है, तभी मार्केट में इस स्टॉक के अंदर और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट इनकी कंपनी संभालने का तरीका कैसा है ये पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं अभी, बट मार्केट में आप इसका जो टारगेट है वो 5 रुपये तक लेकर चल सकते हो अभी के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 56.90% की है, और यहाँ पर आप देख रहे हो जो इसका लो और हाई देखें तो 25 पैसे का इसका लो है, 1.40 रुपये का हाई है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की बनी हुई है, शेयर्स ज़्यादा नहीं है मार्केट में, करीब 37 करोड़ फिर भी ज़्यादा शेयर हैं इसमें। और यहाँ पर हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अभी तो माइनस में होकर आया है, बट यहाँ पर हमको पूरी गर्मियाँ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रोथ अगर देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म में भी हम इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आप इसमें करीब 3 से 5 रुपये तक का टारगेट लेकर चल सकते हो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म में आप इसका जो नेट प्रॉफिट है इसको थोड़ा सा चेक करते हुए चलें, अर्निंग को आप रिजल्ट एक आने के बाद ही आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें।
और गाइस ये रही मेरी 8th कंपनी गीता रिन्यूअल एनर्जी लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 5.65 रुपये के आसपास चल रहा है। और इस कंपनी की बात करें तो ये विंड से सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट करने का काम करती है और यहाँ पर काफ़ी कम प्राइस में हमको अवेलेबल भी है। और 2010 में इसने शुरुआत की थी और यहाँ पर इसका ऑल टाइम परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑल टाइम मोमेंट इसका देखने को मिल जाएगा हमको। यहाँ पर जो लिस्टिंग हुई थी मार्च 2015 में इसने लिस्टिंग की थी और यहाँ पर लिस्टिंग के बाद अभी तक ये तो गिरावट ही दे रहा है, तो गिरावट की चांसेस यहाँ पर मुझको यहाँ और ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैट मोड बना हुआ है ये कुछ दिन और रहने वाला है। यहाँ पर जो इसके प्राइजेस हुए थे ये आपको दिखाई नहीं दे पाएंगे इधर पर, और यहाँ पर जो अभी फ्लैट मोड चल रहा है ये और भी टाइम चलने वाला है, तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का टाइम तो नहीं है। बट इसमें आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कुछ रुपए के प्रॉफिट के लिए, बट पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये स्टॉक निकल जाए और फिर आप हाथ मलते रह जाएं और फिर आप सोचते ही रहें कि मुझे काश पहले ही इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल गया होता, जो कि अभी मिल रहा है बट फिर नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसमें जो तेज़ी आएगी इसका फ्लैट मोड टूटने के बाद अचानक से ऊपर की तरफ आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा बहुत से स्टॉक के अंदर देखा गया है अभी तक, फ्लैट मोड टूटने के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट आई, फिर फ्लैट मोड आया, फिर हल्की सी यहाँ पर फ्लैट मोड को इसने संभाला और फिर थोड़ा सा उछला ये ऊपर की तरफ और फिर फ्लैट चल रहा है। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा और यहाँ धीरे धीरे उछाल देखने को मिलती रहेंगी और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिएगा इस स्टॉक के अंदर। और जो हमारा 9th स्टॉक है ये ऊर्जा ग्लोबल, और ये ऊर्जा ग्लोबल मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने 1 रुपये पर रिकमेंड किया था, 1 रुपये से करीब 4 रुपये के आसपास ये जा चुका है और फिर से ये थोड़े से नीचे प्राइस आकर 3 रुपये 15 पैसे पर हमको दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक बाकी स्टॉक्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और इन्वेस्टमेंट इस पर लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कम बड़ होता रहता है, इसके प्राइस ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। लिस्टिंग की बात करें, यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी और इसकी लिस्टिंग हम देख लेते हैं। तो लिस्टिंग के बारे में क्या कहें, तो लिस्टिंग तो इसकी होने के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट भी रही थी और फिर स्टॉक के अंदर बढ़त भी आती रही है, ऐसा इस स्टॉक के अंदर चलता रहता है, कंटिन्यूसली इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलते रहते हैं। ये स्टॉक बाकी स्टॉक के मुकाबले सबसे ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पैसे पर ये चला करता था, करीब 10 पैसे पर भी ये आपको दिखाई देगा और यहाँ पर ये जो भागा था तो 13 रुपये पर भी ये चला गया था, फिर से इसने नीचे की तरफ गिरावट दी थी और फिर इसे 8 रुपये गया, फिर ये गिरावट और बढ़त इस स्टॉक के अंदर चलती ही रहती है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 रुपये के आसपास अगर आपको ये फिर से मिलता है तो इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टारगेट 8 रुपये का बनाकर चल सकते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अगर 1 रुपये के आसपास भी आपको ये मिलता है तो फिर वहाँ पर आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 164 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, रेवेन्यू उसका काफ़ी अच्छा है, 180 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है और यहाँ पर आप देखेंगे अर्निंग 2 करोड़ की यहाँ पर बनी हुई है, कैश फ्लो ज़्यादा नहीं है, करीब 16 लाख का है और डेट यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, करीब 5.83 करोड़ का बना हुआ है और यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है हमको, करीब 31.55 की यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग है, लिक्विडिटी यहाँ पर काफ़ी हाई है। इस स्टॉक के अंदर जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और होल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है, सेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक्स है। 52 वीक लो की और हाई की बात करें तो 90 पैसे का इसका लो है और 3.99 का इसका हाई है, यानी कि 4 रुपये तक का हाई है। फेस वैल्यू ये देखना नहीं है हमको, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में इसलिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ा गेम नहीं खेला सकता है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2.91 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, बाकी स्टॉक्स के मुकाबले ये स्टॉक काफ़ी बेहतर है, जितने भी मैंने स्टॉक बताए हैं। हमारा 9th स्टॉक ऊर्जा ग्लोबल काफ़ी बेहतर है बाकी कंपनियों के स्टॉक से। और ये रही हमारी लास्ट सोलर पावर कंपनी एक्सेल एनर्जी लिमिटेड। तो एक्सेल एनर्जी लिमिटेड में आप देखेंगे तो प्राइस आपको सिर्फ 25 पैसे का दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ 25 पैसे का ये शेयर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, मौका अच्छा है चौका मारने के लिए। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है आपका कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर ये रिटर्न देगा तो आपको 4 से 5 गुना रिटर्न भी दे सकता है कुछ ही टाइम के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी की शुरुआत 1985 में थी, काफ़ी कम पुरानी कंपनी है, जो मैंने अभी तक स्टॉक आपको बताए हैं उन कंपनीज के मुकाबले ये कंपनी और ज़्यादा पुरानी है। तो एक्सेल एनर्जी के बारे में देख लें हम तो यहाँ पर इसका ऑल टाइम मोमेंट देख लेते हैं, लिस्टिंग देख लेते हैं कब हुई थी, इसकी लिस्टिंग भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, करीब 2006 की लिस्टिंग है, दिसंबर 2006 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और ये लिस्ट होने के बाद से और यहाँ पर इसने हाई बनाया अपना और फिर कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको गिरावटें देखने को मिली हैं, 5 रुपये से भी नीचे यहाँ पर गिरावट कंटिन्यूसली चली आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी में
इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मत करिएगा कि यहाँ पर आप हमेशा के लिए फंस जाएं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी में कंटिन्यूसली अभी भी गिरावट बनी हुई है, कोई सपोर्ट यहाँ पर तैयार नहीं हुआ है कि यहाँ पर कुछ उछाल देखने को मिला है। तो यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट आप बहुत बड़ा मत करिएगा, छोटा इन्वेस्टमेंट करिएगा जहाँ यहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिलती है। इस स्टॉक में 50 पैसे तक की रिकवरी देखने को मिलती है, तो इस स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपका कैपिटल है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, ये आप सब पर डिपेंड करता है। ये तो मैं आपको आशंकाएं बता रहा हूँ। और यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 84 करोड़ का नहीं, 0.84 करोड़ का, यानी कि यहाँ पर 84 लाख का यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटल बना हुआ है। रेवेन्यू करीब 12 लाख का है और यहाँ पर अर्निंग इसकी माइनस में चल रही है सब कुछ यहाँ पर, और डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फिर भी कंपनी टिकी हुई है। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि फिर भी कंपनी टिकी हुई है, प्रमोटर्स भी पूरी तरह से यहाँ पर टिके हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स यहाँ पर टिके हुए हैं, करीब 22.23% के प्रमोटर्स यहाँ पर टिके हुए हैं। लिक्विडिटी यहाँ पर, यानी कि शेयर में ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग नहीं हो रही है, बट यहाँ पर हाई लो देखेंगे तो 25 पैसे का यहाँ पर लो है, 1 रुपये 10 पैसे का हाई है। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शेयर देखेंगे तो शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा, 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर मार्केट में हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो नेट अर्निंग यहाँ पर पूरी तरह से गिरी हुई है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में गया हुआ है। तो ये स्टॉक फंसने वाला स्टॉक लग रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा मत करिएगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट करें, छोटा इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे इस स्टॉक के अंदर। अगर ये कंपनी संभलती हुई नज़र आती है, इसका मैनेजमेंट कंपनी को संभाल लेता है नीचे से, और ये गर्मियों के टाइम में सोलर पैनल की जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, अगर ये अपनी सेलिंग काफ़ी अच्छी बढ़ा ले रहे हैं तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा नहीं करना है हमको। और जितने भी स्टॉक मैंने बताए उनमें से ऊर्जा ग्लोबल मैंने आपको सबसे बेहतरीन स्टॉक बताया है, और भी कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बीच में बताए हैं, तो उनमें आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा करिएगा। इन स्टॉक्स में आप फंसने वाले चांसेस जो लगते हैं तो या तो ना करें, या करें तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें, इसके प्राइसेस देखकर लालच में ना आए। तो यहाँ पर जो मैंने सोलर पावर 10 टॉप कंपनीज बतानी थी ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट कितना करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आपका कैपिटल है, आप किससे एडवाइस लेकर और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। मुझे जो बताना था, जो भी ठीक लगता था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।